आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेडेटर रेसलिंग में। दोस्तों आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का समर स्लैम मैच, जिसमें पहला एंट्रेंस ब्रॉक लेसनर का होता है। उसके बाद कोडी रोड्स आते ही ब्रॉक लेसनर को पीटना शुरू करते हैं। दोस्तों ये वन ऑन वन मैच कोडी रोड्स को इस मैच को डोमिनेट करते हुए देख सकते हैं आप लोग। लेकिन दोस्तों ब्रॉक लेसनर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। कोडी रोड्स के पूरे मूव को मारे बाद में ही ब्रॉक लेसनर स्टिल ऑन हिज फीट रहता है। फिर कोडी रोड्स को एक चॉप मारकर सुप्लेक्स सिटी की शुरुआत करता है ब्रॉक लेसनर। दोस्तों आपको ब्रॉक लेसनर का कॉर्नर मूव तो मालूम है, लेकिन कोडी रोड्स को फिर से इस मैच को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक हाई फ्लाई लगाते हैं ब्रॉक लेसनर पर, लेकिन ब्रॉक लेसनर उन्हें कॉर्नर में ढकेल देते हैं और उसे खदेड़ देते हैं कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स को रिंग के अंदर लेके आकर पीट पीट कर पेल देते हैं। दोस्तों इस मैच को देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि दोस्तों ब्रॉक लेसनर का कॉन्करिंग सुप्लेक्स सिटी भी आपको इस मैच में देखने को मिलेगा। और ब्रॉक लेसनर अपने दिमाग का उपयोग करके कोडी रोड्स को इस मैच में सुप्लेक्स सिटी का मजा चका देते हैं। कोडी रोड्स को ब्रॉक लेसनर खदेड़ देते हैं। दोस्तों आप लोग इस फुटेज से देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर कैसे कोडी रोड्स को इस समर स्लैम के इवेंट में सुप्लेक्स सिटी का मजा चकाया। और दोस्तों ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को बाहर धकेल कर उन्हें बाहर रिंग के बाहर एक F5 जड़ते हैं, जिससे देखकर आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। दोस्तों फिर कोडी रोड्स कम बैक करके ब्रॉक लेसनर को मारने की कोशिश करते हैं जॉन सीना के जैसा, लेकिन ब्रॉक लेसनर इतनी आसानी से हार नहीं मानते। ब्रॉक लेसनर फिर से सुप्लेक्स सिटी का मजा चकाते हुए दिखाई देते हैं, तो कोडी रोड्स रिंग के बाहर स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रॉक लेसनर को खदेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर एक किक मारकर कोडी रोड्स को वो स्टेयर के साथ गिरा देते हैं। लेकिन कोडी रोड्स फिर से आकर इस मैच को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक हाई फ्लाई रैंडी ऑर्टन का RKO मारने की देखते हैं ब्रॉक लेसनर पर, लेकिन ब्रॉक लेसनर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर को रिंग के कॉर्नर का इस्तेमाल करते हुए कोडी रोड्स अपने मूव को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर उन्हें कमोडो लॉक लगाते हैं। फिर कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर के कमोडो लॉक को रिवर्सल कर अपना एक खतरनाक सा फिनिशर लगाकर ब्रॉक लेसनर को इस मैच से बाहर करके अपनी जीत की घोषणा करते हैं। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के बीच? और ब्रॉक लेसनर को कभी आपने ऐसा किसी और सुपरस्टार की रेस्पेक्ट करते हुए देखा है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सी यू लेटर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।